ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिमंडी रोड रेलवे स्टेशन के पास सुनसान झाड़ियों में एक 25 वर्षीय महिला के साथ उसके ही देवर और चार लोगों ने सामूहिक बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से इलाके में खलबली मच गई है। पुलिस ने देवर सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नारपोली पुलिस स्टेशन के पास स्थित साईं प्रसन्ना सोसाइटी इलाके के रहने वाले अक्षय मांजरे 22 वर्षीय अपनी 25 वर्षीय भाभी को घुमाने के बहाने शाम 7 बजे अंसुर फाटा स्थित भिमंडी रेलवे स्टेशन के पास सुनसान इलाके में ले गया और झाड़ियों के बीच अपने भाभी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, मगर भाभी और देवर के बीच झगड़ा होने लगा। वहीं झाड़ियों में बैठकर रहनाल गांव के तीन लोग शराब पी रहे थे। तीनों लोगों ने अक्षय मांजरे को धमकी दी और उसके भाभी के साथ बलात्कार कर फरार हो गए। इस घटना के बाद महिला नारपोली पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अक्षय मांजरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें तीन लोगों का नाम और सामने आया, जिसमें गोटू राम लाबड़े 27 वर्षीय और दो नाबालिग शामिल हैं। नारपोली पुलिस स्टेशन के अंदर एक विवाहित महिला 25 साल की, उसको उसके हस्बैंड का भाई वो जबरदस्ती भिवंडी स्टेशन के बाजू में जंगल में ले गया था, तो उसने उसके साथ जबरदस्ती किया। वो करते समय और तीन लोग वहाँ पर आए, वो तीनों में से और दो लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती किया। उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट देने के बाद हम महिला पुलिस अधिकारी के सामने स्टेटमेंट लेके वो सबके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर किया। उसमें से दो आरोपी अरेस्ट है और दो बाला बेचारे होने की वजह से उनको ताबे में ले लिया। पुलिस ने इन चारों पर 376D के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें न्यायालय में भी पेश किया गया। 17 सितंबर तक हिरासत में भेज दिया गया है और इस मामले की जांच पुलिस निरीक्षक रविंद्र वाणी कर रहे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।